हेलो फ्रेंड्स, सो ये मेरे जो ट्रेवलॉग था लखीमपुर खीरी में, इसमें मैंने कुछ यूनिक चीज़ें ली हैं। तो जैसे यहाँ पे लखीमपुर में दो तीन चीज़ें बहुत फेमस हैं। एक तो गादा मूंगफली यहाँ की बहुत फेमस है, दिवाली से दशहरे के बीच में ही ये यहाँ पाई जाती है, मतलब दशहरे दिवाली के बाद ये नहीं मिलेगी। तो एक मैंने गादा मूंगफली ली है, मतलब आप अगर यहाँ आएँ तो ये लिए बगैर मत जाएँ। तो दूसरा मैंने रेवाड़ी के पेड़ है जो यहाँ पर बहुत फेमस हैं, तो वो लिए हैं। यहाँ आए तो मतलब इसको लेना मतलब ना भूलें। तो ये अपने यूनिक टेस्ट के लिए फेमस हैं, मतलब आपको अगर यहाँ आना है तो ये मतलब आप किसी से पूछ लोगे बता देगा रेवाड़ी की दुकान किधर है, और मतलब वो आपको ट्राई करना है, मस्त है बिल्कुल भी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में ये खाजा मीठा और नमकीन यहाँ मेले में हमेशा मिलता, मतलब ये पूरा एक महीने लगा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ आएँ तो ये मीठा नमकीन खाजा लेना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ले करके ज़रूर जाएँ यहाँ से। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में सोहाल खस्ता और जाड़े में मक्खन मलाई भी बहुत फेमस है, तो वो भी आप जब आएँ, विज़िटर जो भी हैं यहाँ आसपास के वो आ सकते हैं और जो है यहाँ पे ट्राई करके ये सारी डिशेज़ देख सकते हैं। तो लखीमपुर की यही सारी स्नैक्स और ईटरीज, चार पांच ईटरीज हैं जो बहुत फेमस हैं, जो मैं यहाँ मतलब आने के बाद बताना चाहता था इस वीलॉग के ज़रिए। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब टू TIS एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।